फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्रिएशन। आज मैं आपको ये टू कलर निटिंग पैटर्न बनाना बताऊंगी। ये बनाना बहुत ही इजी है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 15 फंदे लिए हैं। फंदे हमें 3 के मल्टीपल में ही लेने हैं, तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे 3 फंदे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये दूसरा कलर ऐड करेंगे और इस कलर से हम ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर 3 फंदे हमें रेड कलर से बुनने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 फंदे हम दूसरे कलर से बुनेंगे, तो यहाँ हमें 3 सीधे फंदे बुनने हैं। फिर 3 फंदे हमें रेड कलर से बुनने हैं। फिर 3 फंदे हमें इस कलर से बुनने हैं। ये डिजाइन हमारा सिर्फ 3-3 फंदों में बनेगा। फिर 3 फंदे रेड कलर से। फिर लास्ट में हम 3 फंदे इस कलर से बुन देंगे। अब हम यहाँ पे ये 2 फंदे ये वाइट कलर से बुनेंगे। ये सिलाई हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। और फिर हम यहाँ पे ये 3 फंदे रेड कलर से। फिर 3 वाइट कलर से। फिर 3 रेड कलर से। फिर 3 व्हाइट कलर से। अब ये लास्ट में एक फंदा रह गया है, इसे हम रेड कलर से बुनेंगे। अब इस तरफ से हम यहाँ पे 2 रेड फंदे बुनेंगे। फिर हमें ये 3 व्हाइट फंदे बुनने हैं। फिर ये 3 रेड फंदे बुनेंगे। फिर 3 व्हाइट फंदे बुनेंगे। फिर 3 फंदे रेड कलर से बुनेंगे। अब इस साइड हम सिर्फ एक ही व्हाइट फंदा बुनेंगे। अब ये रॉन्ग साइड है, इस तरफ से हमें ये एक फंदा भी रेड कलर से ही बुनना है। तो पहले हम इधर किनारे 3 फंदे रेड कलर से बुन लें उल्टा उल्टा। फिर उसके बाद हम ये 3 व्हाइट कलर से बुनेंगे। फिर 3 रेड कलर से बुनेंगे। फिर 3 व्हाइट कलर से। फिर 3 रेड कलर से।
ये देखिए, ये डिज़ाइन इस तरह से बना है। इधर किनारे सबसे पहले हमने यहाँ पे वाइट कलर से स्टार्टिंग की थी, अब लास्ट में देखिए मेरा यहाँ पे लास्ट में रेड बचा है, ये इस तरफ से डिज़ाइन जा रहा है। अभी ये मेरा डिज़ाइन इस तरफ गया है, अब ये इस तरफ से जाएगा। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे सिर्फ दो रेड कलर बुनेंगे, फिर उसके बाद हमें तीन फंदे वाइट कलर से बुनने हैं। फिर तीन रेड कलर से, फिर तीन वाइट कलर से, फिर तीन रेड कलर से, अब लास्ट में मेरा ये एक फंदा वाइट कलर से बनेगा। अब इस तरफ से हम यहाँ पे दो वाइट फंदे बुनेंगे। फिर उसके बाद हमें ये तीन फंदे रेड से बुनने हैं। फिर तीन फंदे वाइट कलर से, फिर तीन फंदे रेड कलर से बुनने हैं। फिर ये तीन वाइट कलर से और ये लास्ट में एक फंदा बचा, इसे हम रेड कलर से बुन लें। अब ये डिज़ाइन देखिए इस तरफ जाने लगा है। अब इधर हम यहाँ पे ये रेड कलर हटा करके वाइट कलर लगाएंगे, तभी ये डिज़ाइन इस तरफ आएगा। तो हम यहाँ पे तीन फंदे वाइट कलर से बुन लें, फिर उसके बाद ये तीन फंदे रेड कलर से बुनेंगे। फिर तीन फंदे वाइट कलर से, फिर तीन फंदे रेड कलर से, फिर हम ये तीन फंदे वाइट कलर से बुनेंगे। साइड से हम यहाँ पे पहले ये एक फंदा रेड कलर से बुनेंगे, उसके बाद हमें ये तीन फंदे वाइट कलर से बुनने हैं। फिर हम ये तीन फंदे रेड कलर से बुनेंगे। फिर तीन फंदे वाइट कलर से, फिर ये तीन फंदे रेड कलर से, फिर ये तीन फंदे रेड कलर से, और ये लास्ट में बचे दो फंदे हम वाइट कलर से बुनेंगे। ये देखिए मेरा ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम वापस से यहीं से रिपीट करेंगे। तो अब हमें इधर फिर से तीन वाइट फंदे बुनने हैं, फिर तीन रेड बुनने हैं। यहाँ जैसे हमने फर्स्ट सिलाई बनाई थी वही अब यहाँ से वापस से रिपीट होगी। पहले ये डिज़ाइन इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ, फिर वापस से ये इस तरफ जाएगा।
इसी तरह से आप ये डिज़ाइन आप स्वेटर में डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।